ने कासगंज में शराब माफिया मोती को किया ढेर, मोती पर 1,00,000 का था इनाम। मुठभेड़ में घायल मोती को अस्पताल आई थी पुलिस, डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। मोती ने पुलिस पार्टी पर दबिश के दौरान किया था हमला, पुलिस ने मोती के पास से दारोगा की पिस्टल भी बरामद की। कुछ दिनों पहले दबिश देने गई पुलिस टीम के दारोगा और सिपाही को बनाया था बंधक, बाद में सिपाही देवेंद्र की कर दी थी हत्या। घटना के बाद से फरार चल रहा था शराब माफिया मोती, देर रात पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर। पांच राज्यों में चुनाव से पहले आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, पार्टी के सभी पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई है बैठक, बैठक में पीएम मोदी भी होंगे शामिल, 10 बजे पीएम करेंगे बैठक का उद्घाटन। पदाधिकारियों से बीजेपी अध्यक्ष ने मांगी कामकाज की रिपोर्ट, सभी राज्यों में पार्टी के काम की होगी समीक्षा। करीब 10:30 बजे बैठक को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, सभी पदाधिकारियों को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए करेंगे प्रेरित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पार्टी के पदाधिकारियों को करेंगे संबोधित, चुनाव के मद्देनजर काम का हो सकता है बंटवारा। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आज मतदान, बीजेपी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम भी मैदान में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सुबह 9 से 10 बजे के बीच डालेंगे वोट, चुनावों के लिए देर रात अहमदाबाद पहुंचे शाह। अहमदाबाद राजकोट समेत 6 नगर निगमों की 575 सीटों पर मतदान, सभी तैयारियां पूरी, थोड़ी देर में शुरू होगा मतदान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज केरल दौरा, बीजेपी की विजय यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी, कासारगोड से शुरू होकर तिरुवनंतपुरम में खत्म होगा मार्च। हरसिमरत बादल ने गृह मंत्रालय के लिए लिखा खत, सिख जत्थे को ननकाना साहिब जाने देने की अनुमति मांगी। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में बीजेपी की रथ यात्रा पर हमला, 2 बीजेपी कार्यकर्ता हुए घायल। दिलीप घोष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप, बीजेपी के चुनाव आयोग में की हमले की शिकायत। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के खास इंतजाम, सीआरपीएफ का एक और बैच 9/24 परगना पर पहुंचा। कल असम और बंगाल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बंगाल में पीएम मोदी नोआपाड़ा दक्षिणेश्वर मेट्रो सेवा का करेंगे उद्घाटन, 464 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार ने तैयार किया है प्रोजेक्ट। ड्रग्स केस में बंगाल की बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी को राहत नहीं, 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड। ड्रग्स केस में गिरफ्तार पामेला गोस्वामी ने लगाया साजिश का आरोप, सीआईडी जांच की मांग। पामेला ने बीजेपी नेता राकेश सिंह पर लगाया फंसाने का आरोप, राकेश सिंह का इनकार, कहा कोई भी जांच के लिए तैयार। बंगाल में बीजेपी चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का पामेला पर बयान, तृणमूल सरकार ने हजारों समर्थकों को झूठे मुकदमे में फंसाया। बीजेपी के आरोपों पर तृणमूल का पलटवार, मंत्री सुजीत बोस बोले अभी तो और भी कई लोग पकड़े जाएंगे। मिशन यूपी पर आज फिर प्रियंका वाड्रा, 2 हफ्ते में दूसरी बार प्रयागराज के लिए होंगी रवाना। प्रयागराज के बांसवाड़ा गांव में निषाद समुदाय के लोगों से करेंगी मुलाकात, करीब 2 घंटे तक गांव में रहेंगी प्रियंका। आज आंदोलनकारी किसान नेताओं से मिलेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली विधानसभा में दोपहर के पूजन का कार्यक्रम। मेरठ में किसान महापंचायत में हिस्सा लेंगे अरविंद केजरीवाल, 28 फरवरी को है कार्यक्रम। बरनाला में आज किसान नेताओं की महारैली, रैली में पंजाब और हरियाणा के हजारों किसानों और मजदूरों के आने का दावा। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोली हमारे पीएम भी अहंकारी, राजा की तरह हो गए। बिजली काटी गई, पानी रोका गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र पर लगाया कम एमएसपी देने का आरोप, कहा गलत तरीके से गणना करके सरकार दे रही है कम एमएसपी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, सरकार से लड़ाई में फसल की कुर्बानी के लिए तैयार किसान। 2 अक्टूबर तक आंदोलन पर किसान नेता बटे, हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने टिकैत के बयान को बताया निजी।
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक में मुख्यमंत्री से बोले पीएम, किसानों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत। मोदी ने रिफॉर्म को बताया जरूरी, कहा किसानों को आधुनिक तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना मकसद। गवर्निंग काउंसिल की बैठक से नदारद रहे पंजाब और बंगाल के सीएम, वर्चुअल मीटिंग में नहीं लिया हिस्सा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में बिजली पर वन नेशन वन रेट की मांग की, कहा केंद्र बिजली की करती है आपूर्ति, लिहाजा एक समान हो बिजली की दरें। नीति आयोग की बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया सुझाव, कहा मैन्युफैक्चरिंग में युद्ध स्तर पर काम करे देश। टूल के केस में आरोपी दिशा रवि को राहत नहीं, जमानत याचिका पर 23 फरवरी को दिल्ली की अदालत सुनाएगी फैसला। पटियाला हाउस कोर्ट में दिशा के वकील की दलील, जांच में सहयोग के लिए हमेशा तैयार। कोर्ट में दिशा के वकील ने कहा पुलिस ने परमिशन दी तो हजारों लोग दिल्ली में आए, मैंने अगर 10 लोगों को इनवाइट किया तो क्या गलत किया। शरवि के समर्थन में अमेरिकी पर्यावरण एक्टिविस्ट अलेक्जेंड्रिया ट्वीट में लिखा शांतिपूर्ण प्रदर्शन मानव का अधिकार। केरल के मल्लपुरम में पीएफआई ने निकाली हीट परेड, सांकेतिक तौर पर आरएसएस कार्यकर्ताओं को ट्रेन में बांधकर घुमाया 17 फरवरी का वीडियो वायरल। एक बार फिर हुई शिवपाल यादव और अजहरुद्दीन ओवैसी की मुलाकात, आजमगढ़ में एक शादी समारोह के दौरान मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत। उत्तराखंड में 13 दिन बाद तपोवन बांध के मलबे से देर शाम 5 अवशव मिले, अब तक कुल 67 लोगों की मौत, लापता लोगों की तलाश जारी। खगड़िया में कांग्रेस की पदयात्रा में हंगामा, स्थानीय कार्यकर्ता और नेता आपस में भिड़े। फतेहपुर में एक महिला ने दो बीजेपी नेताओं के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का दर्ज किया केस, बीजेपी नेता अपने समर्थकों के साथ रात में गिरफ्तारी देने पहुंचे थे। जोधपुर में बीएसएफ जवानों का ट्रक पलटा, 6 जवान घायल, ट्रक में भरा हुआ था गोला बारूद। लगातार 12वें दिन बढ़ी तेल की कीमत, मुंबई में पेट्रोल प्रति लीटर 96.94 रुपए तक पहुंचा। दिल्ली में भी तेल की कीमतों में इजाफा, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हुई 90.58 रुपए, डीजल पहुंचा 80.97 रुपए प्रति लीटर। इंदौर में तेल के बढ़ते दाम के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जताया विरोध। यूपी के सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, ठेले पर मोटरसाइकिल रखकर दिखाया अपना विरोध। तेल की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले, वैश्विक बाजार का मूल्य हम नहीं करते निर्धारित, आने वाले दिनों में देश का अपना स्वदेशी पेट्रोल होगा। मुंबई में कोरोना की फिर से तेज रफ्तार पर बीएमसी का सख्त फैसला, 1305 बिल्डिंग सील, 71,000 से ज्यादा लोगों पर असर। मुंबई में 24 घंटे में 897 नए कोरोना केस, 3 मरीजों ने तोड़ा था महाराष्ट्र में 6,281 नए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 152 नए केस, 1 बीमार की मौत, एक्टिव मामला 1,025। देश भर में कोरोना के 13,993 नए बीमार, 101 मरीजों ने गवाई जान। तेलंगाना में करीम नगर के एक गांव में कोरोना विस्फोट, 30 लोग कोविड पॉजिटिव। बीजेपी सांसद रमेश विंडूरी ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिए 1 करोड़ रुपए, अयोध्या में बन रहा है भव्य मंदिर। उत्तराखंड में श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में अचला सप्तमी पर अनोखी पूजा, दिगंबर रूप में महंत फर्श पर लेटकर करते हैं मंदिर की परिक्रमा। झारखंड के पलामू में गैस लीकेज से लगी आग, 5 मजदूर झुलसे, 2 की हालत गंभीर। कर्नाटक के शिमोगा में बेमौसम बरसात, कई इलाकों में बारिश से मुश्किल। पंजाब के फिरोजपुर जेल में कैदियों को मोबाइल और सिम सप्लाई करने वाला सिपाही गिरफ्तार, 3 मोबाइल फोन और 5 सिम भी जब्त। मध्यप्रदेश में सागर में ट्रैक्टर का चालान करने पर ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद। गोपालगंज में 6 महीने की सुनवाई के बाद बड़ा फैसला, 9 साल की मासूम की रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा। सिलीगुड़ी में डीआरआई ने 2 युवकों के पास से 25 किलो सोना पकड़ा, बाजार में कीमत 11.5 करोड़ से अधिक। असम के शिव सागर में बस में आग से हड़कंप, बाल बाल बचे बस में सवार सभी 35 यात्री। मध्य प्रदेश के गुना में एक पुलिसकर्मी से मारपीट का वीडियो वायरल, रिश्वत के लेन देन को लेकर विवाद।
सतना में अवैध संबंधों को छिपाने के लिए डॉक्टर ने की अपने ही असिस्टेंट की हत्या। क्लिनिक के बगल में खाली जमीन में दफनाया, पुलिस ने खोद कर निकाला शव। कानपुर में नाबालिग से तीन युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। जोधपुर में धर्मगुरु के साथ मारपीट मामले में पुलिस का एक्शन, तीन आरोपियों को हिरासत में लिया। धौलपुर में बंदूक की नोक पर नाबालिग लड़की के अपहरण की नाकाम कोशिश, भीड़ ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। फरीदाबाद में नौकरी का झांसा देकर युवती के साथ रेप, पुलिस ने एक महिला समेत चार लोगों को किया गिरफ्तार। जिले के बेगमपुर इलाके में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या, शादी से इनकार करने पर दोस्त ने ली जान। दिल्ली के छावला इलाके में रंगदारी के लिए बदमाशों ने कारोबारी को दफ्तर में घुसकर मारी गोली, काला जठेडिया गैंग के नाम वाली पर्ची थमाकर फरार। इंदौर पुलिस की बड़ी कामयाबी, हथियारों के जखीरे के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के पांच बदमाश गिरफ्तार। सुल्तानपुर में निकास से पहले युवती ने फांसी लगाकर दी जान, परिजनों ने प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराया आत्महत्या के लुकसाने का आरोप। जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत, मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे डीएम। गोमो से बरवाडी जाने वाली सवारी ट्रेन में शव मिलने से हड़कंप, यात्रियों ने पुलिस को दी सूचना। अलवर में एक स्क्रैप फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग, 20 लाख का कबाड़ जल रखा। कानपुर में महंगाई पर प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस पर महिलाओं से बदसलूकी का आरोप। बरनाला में सुविधा केंद्र में कंप्यूटर, एलईडी और आधार मशीन किट पर चोरों ने किया हादसा, सीसीटीवी में कैद भी वारदात। पटना में रेप केस में गलत सुपरविजन रिपोर्ट देने पर डीएसपी निसार अहमद पर विभागीय कार्रवाई, डिमोशन करके इंस्पेक्टर बनाया गया। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार, 16 गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी। महाराष्ट्र के पुणे में घरेलू गैस की कालाबाजारी के आरोप में 22 लोग गिरफ्तार, 381 सिलेंडर बरामद। भदोही में युवती की गला दबाकर हत्या, खेत में मिला अज्ञात युवती का शव, पहचान में जुटी पुलिस। कन्नौज के इंटर कॉलेज परिसर में चौकीदार की जगह ड्यूटी करने आए भतीजे का शव मिलने से हड़का, हत्या का केस दर्ज। गुरुग्राम में पति ने शक के चलते पत्नी पर किया जानलेवा हमला, पश्चिम बंगाल के आरोपी गिरफ्तार। जापान की नाओमी ओसाका ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब, फाइनल में अमेरिका के जेनिफर ब्रडी को 6-4, 6-3 से दी मात। आज खिताबी बढ़त में आमने सामने नंबर वन जोकोविच और रूस के मेदवेदेव, 9वीं बार फाइनल में पहुंचे जोकोविच। 24 वर्ष से पिंक बॉल टेस्ट के लिए तैयार है अहमदाबाद का मोटेरा ग्राउंड, ड्रोन कैमरे में कैद दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शानदार नजारा। चार टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत और इंग्लैंड फिलहाल 1-1 से बराबर, जीत मिलने पर वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल के लिए मजबूत होगी भारत की दावेदारी। विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में झारखंड के ईशान किशन का धमाका, मध्य प्रदेश के खिलाफ महज 94 गेंद में बनाए 173 रन, 11 छक्के भी जड़े। आतंक के खिलाफ 16वीं यूएस इंडिया वॉर ट्रेनिंग जारी, बीकानेर में पहली बार मीडियम रेंज के टैंकों का किया गया इस्तेमाल। म्यांमार में विरोधी विचारधाराओं के लोगों ने एक साथ मिलकर सैन्य तख्तापलट के खिलाफ निकाली रैली, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और आंसू गैस की गोली दागी। ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ निकाली गई रैली, मेलबर्न, ब्रिस्बेन और सिडनी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। दुनिया में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, अब तक संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 13 लाख के पार, 24,65,000 से अधिक लोग गंवा चुके जान। इंडोनेशिया में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन ने दिखी तबाही की तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।